जुलाना में एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का, एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल क्यों मानते हैं? एक तरफा माहौल अच्छा काम कर रखा है इस सरकार का, सरकार ने बढ़िया काम कर रहा है। इसका इस सरकार ने जिसका दीवा नहीं लगा ना उसका भी दीवा लगा दिया। अरे एक भर्ती में बच्चे लगा हमारे, अरे एक भर्ती में, अरे एक बच्चे में 5-7 बच्चे आगे निकले हैं नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी लगा है। हाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, गरीब आदमी भला किया है। जो हमारे पत्थर लगते थे सेना के, आज हमारी सेना को कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं है। छाती सीना चौड़ा करके चलती है हमारी सेना। हमारे को कोई ऑर्डर नहीं था गोली चलाओ, नहीं कोई किराया लाना, न किसी की सिफारिश लानी, न ढीले को ताले पैसे कमाया करते, उससे दूर हो गए। 100 बच्चे लगे फ्री में, 100 बच्चे लगे इसमें, इस 100 बालक, हाँ 100 बच्चे। एक मेरे भतीजे लगे 11, टंड जी हम 11, चौधरी आगे 36 आज गए, असल में 100 बच्चे सारे। आप सभी का सत्या खबर पर, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आज मैं जुलाना हलके के गढ़वाली गांव में मौजूद हूं और यहां पर थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद कैप्टन योगेश कुमार आने वाले हैं और अभी से लोग यहां पर स्वागत के लिए खड़े हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर लेता हूं क्योंकि अब की बार जुलाना का क्या कुछ माहौल लगता है। मेरे साथ ताऊ जी है, ताऊ जी राम राम। जुलाना में एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का, एक तरफा माहौल है, क्यों मानते हैं एक तरफा माहौल? क्यों मानते हैं? इस गवर्नमेंट ने काम किए। अच्छा। हाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, गरीब आदमी भला किया है। अच्छा। तो इसलिए सभी आदमी इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस हिसाब से विनेश फोगाट एक बड़ा चेहरा है, यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है? लोग तो ये बता रहे कि तो भारी प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आई है वो भी ठीक है, लेकिन क्या है वो अलग टाइप का इलेक्शन चल रहा है उनका। अच्छा। हाँ लगता है बन जाएंगे कैप्टन जी? हाँ लगता है बिल्कुल। अच्छा। एक तरफी क्या लगता है योगेश का, योगेश कुमार का? एक तरफी मोल है, एक तरफा मोल, क्यों मानते हैं एक तरफा मोल? अच्छा काम कर रखा है इस सरकार का, सरकार ने बढ़िया काम, बढ़िया काम कर रखा है। आपके गांव में पूछूंगा के काम करवाए हैं? करवा दिया जो यार, बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे लगवाए बीजेपी सरकार ने, कम से कम 50, अरे एक भर्ती में बच्चे लगा हमारे, अरे एक भर्ती में 5-7 बच्चे आगे निकले हैं नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी लगा है। फिर क्या लगता है, जैसे पीछे कैप्टन जो सरकारी नौकरी पे थे, आपके गाँव के लोग भी लगवा? सरकार बढ़िया, गरीब का सरकार है, बढ़िया सरकार है, बढ़िया। हाँ बढ़िया सरकार है बिल्कुल। ये तो बढ़िया सरकार बता रहे हैं आप, तो टोपी पहन रहे हो, पर ना हावी ले रहे हो गेले बीजेपी का, के को होगा? मान सम्मान के बुजुर्ग खड़े हैं मेरे, चाचा ताऊ हैं, मान सम्मान मौजूद साथियों, नौजवान भाइयों, हमें बीजेपी से हम बहुत अच्छे संबंध से आए हैं, हमारा बहुत अच्छा काम किया है, सभी भाई हम बीजेपी से साथ हैं, हमारे अच्छे काम किए हैं और हम बीजेपी के साथ हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज कैप्टन साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में, क्या लगता नहीं है? बहुत अच्छी सरकार है, हमारे गांव में सैकड़े से ऊपर बच्चे तो सर्विस ला गए, नौकरियां सैकड़ों से ऊपर है, न कोई किराया लाना, न किसी की सिफारिश लानी, न ढीले को ताले पैसे कमाया करते, उससे दूर हो गए। हाँ इस सरकार में फ्री नौकरी, फार्म भरो। योगेश का कुछ लागा है, काम काज करवा देंगे? करा देंगे, नया चेहरा है, काम में कराएंगे, बहुत बढ़िया कराएंगे। इस हिसाब से अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, अर तार जुलाना तो नंबर पड़ गया फिर, ठीक से वो अपनी मर्जी है उसकी, वो तो उसकी। क्या लगता है जी आपकी बार? कैप्टन भैया बहुत बढ़िया आदमी है, वो पहली बार आया है, गरीब आदमी है, उनका गरीब के भगवान सुनता है, सुनता है नहीं सुनता जी, बिल्कुल। हाँ ठाडे तो अपना घर लेते हैं, ये पहली बार आया है, बच्चे बहुत लगे हैं हमारे गांव में, अरे किसी का भरता नहीं भाई, घर गेला तकरीबन सबका, सबके बच्चे लगे हैं। इस सरकार ने जिसका दीवा नहीं लगा ना उसका भी दीवा लगा दिया। अच्छा। हाँ उसका भी दीवा लगा दिया। इस सरकार में ही नए भीतर मेरा 2 बार लड़का लग लिया है, इसमें के बोला रहा है, ये मिलिट्री दोनों लड़के लग गया, मेरा एक लड़का 2 जगह ज्वाइन कर गया, फौज में रिजाइन दे गए, फिर इसमें डाका नाम लग गया, मेरा लड़का इसी में 2 बार लग गया। तो आपके हिसाब से न्याय हो रही है सरकार में? बीजेपी सरकार बढ़िया, एक पैसा नहीं लगा। कितने? 1 भी रुपये लग गया? एक भी नहीं लग गया, अग्निवीर में होया फिट हुआ, फिर ओके करके वहाँ छोड़ दी, फिर डाका नाम मचा लिया, उसकी तैयारी करके उसमें रेलवे में सरकार है, ठीक है लिंदी को नहीं आया सरकार, रुपये लिंदी को नहीं देवा है, देवा खूब धमाका, तो उल्टा ही काम हो रहा है फिर है। पहले नु बताया थे खर्ची पर्ची देने पड़े करे थे जब लागे करे थे, अरे भी आप और तो रुपये भी देवा, नौकरी भी देवा, सारे काम खर्च नहीं देती लाले। वैसे फ्री में तो क्यों देगी, फ्री में लगवाता है ये सरकार, पिल्चन मिल जाए टाइम पे। हाँ टाइम पे मिले। अच्छा हर मान ले के चौके मानस बटले हो रहे हैं काम के, तो फिर घने आदमी हो रहे हैं।
थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी लग रही है। हाँ बहुत है, 100 बालक लगे हैं, 100 बच्चे लगे, 100 बच्चे लगे इसमें, 100 बालक, हाँ 100 बच्चे एक योजना में है जिसके इतने बच्चे लग जा को कसर नहीं रहती, बिल्कुल की रहती है। और जब एक योजना और बना दोगे तो नुनाले बालक के दिखेगा को गाँव में, घर गेल नौकरी हो जाएंगी सरकारी। हाँ घर गेल 5 लाख रे मारे, 5 लाख देगी, बोल निकट गया नहीं। हाँ क्या कहना चाहोगे जी? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, जवानों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। जितने हमारे रोड देखो, बगैर पर्ची खर्ची नौकरी देखो, बूढ़ों की पेंशन देखो, जितने भी काम किए हैं। आपसे पूछूंगा, आपकी टाइम पास है पेंशन? मेरी पेंशन कांग्रेस सरकार में मेरी 5,000 रुपये, 7,000 रुपये पेंशन लेता था, आज मेरी पेंशन 35,000 रुपये आ रही है। अच्छा, आप फौज से रिटायर हैं? आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आज हमारे वहाँ हाथ बंधे हुए थे, जो हमारे पत्थर लगते थे सेना के, आज हमारी सेना को कोई आंख उठा के देखने वाला नहीं है, छाती सीना चौड़ा करके चलती है हमारी सेना। हमारे को कोई ऑर्डर नहीं था गोली चलाओ, हमारे हाथ बंधे हुए थे, पत्थर खा के हम अपनी लाइन में आके रोते थे। अच्छा। हाँ आज हमारे जान, कोई पाकिस्तान चीन हमारे देश की तरफ आंख उठा के कोई दुश्मन देख नहीं सकता, सबके दांत खट्टे हो जाएंगे। वाह जी वाह, मतलब बढ़िया बात है। हाँ सही हो रही है सरकार। हाँ। बिल्कुल, सूबेदार से भी करो बोली बात, मतलब सूबेदार अनपढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी तो सारे हम बढ़िया बोल ले कर रहे हैं। आपने क्या लगा बीजेपी सरकार बढ़िया है? बढ़िया क्यों मानो, बीजेपी नौकरी लग गई मेरे, ये नू बता रही इस पन्ने में 100 बालक लग रहे नौकरी, कैसी लग गए हमारे पिंड ताए 18 लागे, चौधरी लागे 36 जात के, हाँ मेरे भतीजे लागे 11, पंडित जी हम 11, चौधरी आगे 36 जात के, असल में 100 बच्चे सारे, 100 बालक। हाँ तो 100 बालक एक गाँव, मतलब विकास तो अपने आप पे हो जाएगा। छोटा गांव, छोटा गांव कितने वोट आएगा? मतलब 1700 क्या, मतलब 2000 वोट में 100 बालक लाग गए तो बड़ी बात है। जय महाराज चौधरी साहब रहा, 4 उसके ला रहे हो रहा, एस डी मार लग गया गाँव में, एस डी में एक घर था उसका, एक घर एस डी की बहुत छोटी नहीं है। जुलाने हल्के में तारे गाँव में के घने लाग रहे हैं, लाग रहे मारे तो खूब ला रहे, टेस्ट पड़े बड़कन है ये पोता, ट्रेनिंग कर ला रहा है मेरा एक तो परसों का है, 11 फिर तो 12 हो जाएंगे ना, सदा हूँ 17 हमारे बालक तो बावना गए, 17-18 है, 11 मेरे पति कह रहे जर्नल में तो कम ही लागे, कह रहे तुम्हारे तो 11 तो गुणे लाग गए, हमारा खूब ला रहे भाई हम लोग खैच के, मोदी सरकार में हम लोग, मोदी सरकार मेरा भतीजा, चलो भतीजा रहा पुलिस में लाग गया था, पुलिस की छोटे कल्टी पटवारी, हाँ यो कल्टी पटवारी लाग गया हमारा भतीजा। मैं और पूछूंगा कैप्टन का क्या कुछ होगा? कैप्टन एक नंबर है, एक नंबर। कितने का जीता दोगे? कितने का जीता हो? 4 तो जीता दे, कई हजार तो है। जिस हिसाब से यहाँ के लोगों में हौसला है, बता रहे हैं कि कई हजार से जिताएंगे और एक ही पन्ने में, मतलब कि जैसे इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों में 11 लोग लगे हैं और कास्टों में बहुत सारे 100+ बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको क्या कुछ लगता है जुलाना हल्के के इस गांव के बारे में? इस गांव के लोग भी देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में क्या कुछ खास बात लगी। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मैं अंशुल शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।